नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7 और मैं आपके साथ फहिमा। बरकट्टा से परमानंद पांडे की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नव भारत का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि हमें मोदी जी ने जिम्मेवारी दी है, उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगी। उन्होंने शिक्षा नीति पर युवाओं से कहा कि हमें 3S स्कूल, स्किल और स्पोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना है। देश के प्रधानमंत्री का स्किल की ओर पूरा ध्यान है, स्कूल के साथ स्किल को भी जोड़ा गया है, जहां व्यावसायिक शिक्षा बल दिया गया है, जिससे लोगों का रोजगार अवसर प्राप्त होगा। पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। यह बात उन्होंने बरकट्टा में स्वतंत्र नव युवक के सौजन्य से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच के अवसर पर कही। वो सम्मान आप लोगों को दिया है उन्होंने। और साथियों, अभी बहुत कुछ अशोक जी भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत हम युवा साथी से कहना चाहेंगे कि एक जो जिम्मेवारी मिली है स्कूली शिक्षा, स्कूल शिक्षा की, तो हमें 3S पर ध्यान रखना है, स्कूल, स्किल और स्पोर्ट्स। हमारे युवाओं से हम ये कहना चाहेंगे कि इस 3 में हम अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें तो हमेशा हम बुलंदी में रहेंगे, पढ़ाई पे और अभी स्किल पे। अगर ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ध्यान है कि स्कूल के साथ साथ स्किल को जोड़ा है, कि पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप सभी नवयुवक जरूर आप उसका अध्ययन किए हैं, आप सभी देखे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया, ताकि हमारे बच्चे के बाद ये भी ना हो कि बेरोजगारी रहे। तो ये जो नया भारत है, अगर ये प्रधानमंत्री जी नए भारत की बात करते हैं, तो नए भारत में जब अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वें साल में अभी हम प्रवेश किए हैं, और अगला 25 साल यानी 100 साल आजादी के बाद 100वां साल कैसा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करें, सोच रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखता है कि शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे युवा 25 साल बाद के भारत की कल्पना करेंगे और अभी से वो उसको गढ़ेंगे। तो आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी ने भी कार्यक्रम किया, और पूरे साल तक हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे, चाहे खेल के माध्यम। Watching our voice news for daily news updates, and do follow, like and share this video. Thank you.